मेरी आपसे गुजारिश है, अगर आप इस चैनल पे नए हैं तो जल्दी से सब्सक्राइब बटन को क्लिक करें और बेल आइकन को दबा दें। धन्यवाद। अगर आपका बचपन मेरी तरह गवर्नमेंट उड़िया स्कूल में बीता है तो ये वीडियो आपकी यादों को तरोताजा कर देगा। जब भी आप चिल्का के बारे में सुनते हैं या सोचते हैं, आपके दिमाग में स्कूल में पढ़ाई हुई रचना काली जाहिरे संध्या आपकी यादों को झकझोर कर देती है। अगर आपकी तमन्ना हो कि एक बार चिल्का लेक पे बोटिंग को एंजॉय किया जाए, साथ में माँ कालीजाई के दर्शन हो जाए, तो आपको बड़कुल जाना होगा। वहाँ पे आपको बोट मिल जाएगी। टिकट की कीमत लगभग 160 रुपये प्रति व्यक्ति है। एक बोट में तकरीबन 7 लोग जा सकते हैं। पर्यटन की दृष्टि से चिल्का और कालीजाई मंदिर उड़ीसा की शान है, और एक उड़िया होने के नाते माँ कालीजाई हमारा न भूल पाने वाला सुनहरा बचपन है। स्कूल में जब अध्यापक कालीजाई की कविता के बारे में वर्णन करते, हम सब बच्चे एक काल्पनिक दुनिया में चले जाते और कवि की वर्णना और हमारी कल्पनाओं में सोचते और सहर उठते कि वो मंजर कैसा हुआ होगा जब नाव पानी में पलट गया। एक नई नवीली दुल्हन जिनका नाम जाई था, वो बाद में माँ कालीजाई बन गई। इस संसार में जितने भी उड़िया लोग हैं, वो जब उड़ीसा से बाहर होते हैं, उड़िया भाषा, उड़िया पकवान और उड़िया संस्कृति को बहुत ज़्यादा मिस करते हैं। मेरा ऐसा मानना है कि जब वो कभी अकेले में होते होंगे, ज़रूर कभी ना कभी ये कविता को गुनगुनाते होंगे कि वो उड़िया मिट्टी को कितना मिस करते हैं। कत धरि धीरे नाओ रे ना देछि मेले उतरा पवन आगको दिए तले थेले नाची नाची खेले तरणी नाचे सत तरंग उड़ी आसी जले भासंती काहीं केते विहंग हंस हंस राड़ी खेलंती ढेउ दोली रे खेल आसिलाणी खरा मऊली छाइले उटा बेल माछ रंका पक्षी उड़ोई डेणा झाड़ी आकाशे लक्ष्य रखी जले बुड़ोई नीन धरिबा आसे चाहूँ चाहूँ जाई गभीर जले पड़ा ना आकाश पानी से गंडरे काली जाई ताना। मुझे लोग अक्सर पूछते हैं, आप उड़िया में वीडियो क्यों नहीं बनाते? मैं उड़िया में बोलना तो जरूर चाहता हूँ, लेकिन मो उड़िया गाँ गहलीर खांटी गंजामी उड़िया गया बोधे अन्य जिलार ओडिया लोक मो ओडिया को पसंद करिवे न करिवे सेति पई मु हिंदी रे कहुची। जेहेतु नॉन ओडिया लोक भी मो वीडियो देखुचंदी सेमानो भलगरी ओडिसा को जानी परिवे सेटा हला मोर मेन ऑब्जेक्टिव। ओडिया कहिबी न कहिबी किंतु दिल तो बिल्कुल ओडिया गया। मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ, आप हमेशा खुश रहें, मुस्कुराते रहें। मुश्किलें परेशानियाँ तो आती रहेंगी, पर हमें ज़िंदगी में कुछ तो कर गुजरने का हौसला रखना ही होगा। ये वीडियो अगर आपके दिल को कहीं भी टच किया हो तो वीडियो को लाइक ज़रूर करें
मुझे मुश्ताक शरीफ को इजाज़त दीजिए, ज़िंदगी बाकी रही तो फिर मिलेंगे किसी और जगह किसी और स्टोरी के साथ। तब तक के लिए अलविदा दोस्तों।